नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किया है। ईडी द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर समेत कांग्रेस द्वारा देशव्यापी आंदोलन किया गया। सोनिया गांधी की ईडी जांच पर गुरुवार को नागपुर के ईडी कार्यालय के सामने भी कांग्रेस की ओर से आक्रामक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता राजेंद्र मुलक, सुनील केदार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे सहित युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। आंदोलन में कांग्रेस की ओर से ईडी कार्रवाई का निषेध कर नारेबाजी भी की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बैरिकेडिंग तोड़कर ईडी ऑफिस जाने की कोशिश भी की। इस आंदोलन में पुलिस विभाग की ओर से बड़ा तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था। आंदोलन तीव्र देख सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की इस कार्रवाई से सोनिया गांधी पर अत्याचार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार है, चल रही है। सोनिया जी को इतने सारे बड़े लॉटरिंग के केस में अब मेहुल चौकसी, ऐसे अंबानी, अडानी, इनको क्यों नहीं आपने ईडी की इंक्वायरी के लिए बुलाया? आरएसएस के पास कहां से आए? पोलिसांचा दोष नाही आहे, केंद्र शासनाने त्या पद्धतीने नेहमी घाबरले त्या पोलिसाला पुढे गेलेला आहे। पोलीस प्रशासनाला सांगतो की उद्या देशामध्ये अराजकता मानली तर त्याच्यामध्ये तुमच्या कुटुंबाला सुद्धा चटके बसणार आहे। म्हणून आपल्या सत्ताधारीने काम करा आणि सामान्य माणसाचा आवाज दडपण्यासाठी केंद्र शासनाची क्रूर बुद्धी आहे त्याला साथ देऊ नका। जे श्रीलंकामध्ये घडलं ते देशात होऊ देऊ नका। काय सांगाल सोनिया गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने नोटीस पाठवली आहे, त्यांना चौकशीसाठी बोलवलं आहे। काँग्रेस या विरोधामध्ये आज देशभरामध्ये आंदोलन करताय, काय भूमिका आहे? नाही, एकच की प्रकरण नॅशनल हेराल्डशी संबंधित आहे। शासनाचा निधीचा गैरवापर पुढे झालेला आहे, परंतु अशाही स्थितीमध्ये पक्षाचा निधी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला का दिला? तेही 50 लाख रुपये फक्त। आणि यासाठी या देशातील सर्वोच्च नेत्यांचा काँग्रेस पक्षांच्या त्यांना नोटीस पाठवून त्यांना बोलवणं आणि देशामधल्या एकूणच मेसेज देणं की हम विरोधियों को हमारे देश में रहने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, विरोधियों को हम खत्म कर देंगे, हमारे खिलाफ में आवाज करोगे तो तुमको हम लोग अंदर डालेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की दादागिरी का मामला, इस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम ये हो रहा है, इसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।